सबसे बड़ी खबर शाजापुर जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर सामने आ रही है। ग्राम पंचायत घटिया खुर्द में विधायक निधि और पांचवें राज्य वित्त आयोग राशि से निकाले गए 2-3 सेट निर्माण के पैसे विधायक निधि से निकाले गए 5 लाख और पांचवा राज्य वित्त आयोग से 2,09,000 सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय ग्राम पंचायत घटिया खुर्द गांव भूपापुर चीलर माता मंदिर के पास 1-3 सेट बना हुआ है, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय ने 2-3 सेट को एक में ही बताकर 7,09,000 रुपए का सरकार को चूना लगा दिया है। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो ग्रामीणों ने मंगलवार को एक बैठक को आमंत्रित किया और उसके बाद विधायक इंदर सिंह परमार को अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार से ग्राम पंचायत घटिया खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय ने लाखों रुपए का चूना ग्राम पंचायत और विधायक निधि में लगाया है। सरपंच प्रतिनिधि आत्माराम मालवीय के ऊपर ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले दबे हुए हैं। 3 सेट के नीचे का फर्श भी गुणवत्ताहीन बना हुआ है, जिसका वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है, लेकिन बाद में से लीपापोती कर दिया गया और RTI के तहत जब जानकारी मांगी जाएगी तो इसका और बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। सूत्रों में बताया गया है कि आंगनवाड़ी में जो पुरानी बनी हुई है उसमें प्लास्टर करवाया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ताहीन और पुरानी ही आंगनवाड़ी पर प्लास्टर किया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, पूरी जानकारी मीडिया द्वारा एकत्रित की जा रही है। ऐसे कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं। देवी सिंह सिसोदिया की खास खबर। मिली होगा तो वो पीएम आवास। हाँ, पीएम आवास जी, किसी को भी नहीं मिली अभी तक। कौन सी ग्राम पंचायत में आते हैं आप? ग्राम पंचायत घटिया खुर्द। घटिया खुर्द में। जिला कौन सा पड़ता है आप? शाजापुर। शाजापुर। धरातल पे जो गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जल नल योजना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई नलकूप योजना नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा। पानी की व्यवस्था नहीं है सरकार की, कोई भी फायदा अभी पंचायत से पानी के बारे में नहीं है। अभी जो 3 सेट बना हुआ है, जो 2-3 सेट आए हैं उसमें से के जो सरपंच महोदय से हमारी जो बात हुई है उसमें बताया कि हमने दोनों 3 सेट वहां पर लगा दिए गए मंदिर के पास में। ऐसा कुछ नहीं, 1-3 सेट बना है वहां, वो भी मंत्री जी विधायक निधि से। विधायक निधि जी, आप जो गांव में जो विकास हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? विकास अब चल रहा है कुछ पंचायत में, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पर बात यह है कि जो भी कार्य आता है आगे से उसके बारे में पूरा जनता को बताना चाहिए कि इतना पैसा आया, इतना खर्च किया अपन। आप नव युवक हैं और जो गांव में विकास हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको किस प्रकार से उपलब्ध होती है? आपको किस प्रकार से मालूम होता है कौन कौन सी योजनाएं गांव में? सर, ऐसा तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है और कोई प्रकार से सूचना भी नहीं मिल रही क्या?